नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खबरों की शुरुआत करेंगे दिल्ली ब्लास्ट से। अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का अंदेशा जताया जा रहा है। इजरायली दूतावास धमाके में बड़ा खुलासा हो गया है। चिट्ठी से सामने आया है ईरान कनेक्शन। चिट्ठी में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है। चिट्ठी में बदला लेने की बात भी कह दी गई है और चिट्ठी में यह भी कहा गया है कि 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में अलर्ट है। सभी एयरपोर्ट और सरकारी बिल्डिंगों की चौकसी बढ़ा दी गई है क्योंकि जिस तरीके का ये ब्लास्ट किया गया था, ऐसे में इसको ट्रेलर बता दिया गया है। और ये बात बोली है कि ये ट्रेलर है, आगे पिक्चर बाकी है, जिसके चलते अब सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास हुए बम धमाके से जुड़ा एक लिफाफा मिला है, जिसके बाद इस घटना का ईरान कनेक्शन सामने आया है। इस चिट्ठी में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है और बदला लेने की बात कह दी गई है। मौके से मिली चिट्ठी में 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी और ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फकरी जाहिद का भी जिक्र किया गया है। जिस तरीके से ये खबर सामने आई है, ऐसे में अब सुरक्षा के इंतजाम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके चलते अब सुरक्षा के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। फिलहाल लिफाफा मिलने के बाद इस घटना के पीछे ईरान कनेक्शन की आशंका जताई जा रही है। इससे पहले साल 2012 में इसराइल के एक कार में धमाका हुआ था। इस धमाके में दो ईरानी शामिल थे। ये लोग दिल्ली के पहाड़गंज के होटल में रुके थे। कार में धमाके के बाद ये लोग ईरान फरार हो गए थे। जाँच एजेंसियों को इन लोगों की अब तक तलाश है। उधर इजरायली विदेश मंत्रालय ने इस घटना को आतंकी वारदात करार दिया है। इजरायली विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि इस घटना को लेकर विदेश मंत्री गाबी अश्कनाजी को नियमित रूप से अपडेट किया जा रहा है। उन्हें सभी आवश्यक सुरक्षा कदम उठाने का आदेश भी दिया है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसी लिफाफे की टच डीएनए कार्रवाई मसौद के बारे में कहा जा रहा है कि ये एजेंसी अपने लेवल पर काम करती है। हालांकि अभी तक मोसाद के स्पॉट पर आने की कोई अधिकारी जानकारी यहां पर नहीं मिल पाई है, लेकिन इस घटनाक्रम पर मोसाद नज़र बनाए हुआ है। बताया जा रहा है कि जल्द ही मोसाद की टीम भी घटना की जांच करने दिल्ली आ सकती है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक बम में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल का अंदेशा है। इस धमाके में छोटे छोटे बॉल बियरिंग का भी इस्तेमाल किया गया। घटनास्थल पर सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के कुछ टुकड़े मिले हैं। शक है कि इसके जरिए ही विस्फोट तैयार किया गया था। बताया जा रहा है कि 3 बजे करीब जब इजरायली दूतावास से सभी लोग जा चुके थे, उस दौरान यह धमाका हुआ। बम प्रेशर से फटा, इसलिए सड़क के दूसरी तरफ के कार के शीशे भी टूटे हैं। सूत्रों की माने तो बम ब्लास्ट का मकसद दहशत फैलाना है। चलिए एक बार आपको फिर से बता देते हैं कि जो चिट्ठी मिली है, उस चिट्ठी में क्या क्या लिखा हुआ है। चिट्ठी से सामने आया है ईरान कनेक्शन। चिट्ठी में इस ब्लास्ट को ट्रेलर बताया गया है और ये चीज़ लिखी है कि ये सिर्फ ट्रेलर है। अभी चिट्ठी में बदला लेने की बात भी कह दी है। चिट्ठी में 2020 में मारे गए कासिम सुलेमानी का जिक्र किया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद देश भर में अब अलर्ट जारी हो गया है। सभी एयरपोर्ट और सरकारी बिल्डिंगों की अब चौकसी बढ़ा दी गई है। दरअसल एक चिट्ठी बरामद हुई है, उस चिट्ठी में इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं जिसमें ये सिर्फ ट्रेलर बताया गया है, पिक्चर अभी बाकी है, उसका अंदेशा यहां पर जता दिया गया है। जिसके चलते यहां पर सुरक्षा एजेंसी काफी सक्रिय हो गई है। ईरान के वरिष्ठ न्यूक्लियर वैज्ञानिक मोहसिन फकरी जाहिद का भी इसमें जिक्र किया गया है। और ऐसे में राजधानी दिल्ली स्थित इजरायली दूतावास के पास ही धमाका हुआ था, जहां पर नाइट्रेट का इस्तेमाल करने की बात भी सामने आ रही है। एक कैन में भरकर विस्फोट किया गया है, जिसके चलते यह बड़ा विस्फोट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ब्लास्ट दहशत फैलाने के तौर पर किया गया था। अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया है। इजरायली दूतावास धमाके में यह बड़ा खुलासा हो गया है। फिलहाल जांच एजेंसी अभी जांच कर रही है। जल्द से जल्द इस मामले में अभी और भी खुलासे आ सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।